डेट है 14 सितंबर। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक पेड़ है और पेड़ में ढेर सारे ब्रांच लगे हुए हैं, शाखाएं लगी हुई हैं, जिसमें पत्तियां हैं और पत्तियों में आपके हिंदी के अक्षर भी हैं, है ना काका गगा, ये है पूरा, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा कविता लिखा गया है, वो है हिंदी विषय पर, हिंदी की हिंदी कैसे इतना सरल है, ठीक है। आपको जब हिंदी बोलना होता है तो आप फटाक से बोल लेते हो ना, तुरंत बोल लेते हो, लेकिन जब इंग्लिश बोलना होता है तो आप सोचते हो और ये भी सोचते हो कि जो हम इंग्लिश बोलेंगे वो सामने वाला समझेगा या नहीं, ये आपके दिमाग में चलता है ना। आपका रामायण देखो, आपका गीता देखो, आपका उपनिषद देखो, जब हिंदी में उसको समझाया जाता है तो आप समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, लेकिन अगर वही इंग्लिश में जाता है तो जो जिसको इंग्लिश आता है वही जानता है, बाकी और लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। आज ही के दिन 14 सितंबर को 1949 में, कौन से सन में, 1949 में संविधान सभा ने क्या किया था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। तभी से 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एक पोयम भी है, हम यहाँ पे पोयम बोलते हैं, आसान होते संवाद मेरे जब कथन हिंदी में कहता हूँ, और लगे प्यारी मुझे ये जब हर शब्द इसका लिखता हूँ, गर्व है वर्णमाला पर इसकी, कठिन है मगर आसान समझता हूँ, होता हूँ आनंद विभोर मैं जब हर शब्द इसका पढ़ता हूँ। क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना तो आप ही समझते हो इसका, और अंदर ही अंदर बहुत खुशी मिलती है। लगे आसान वेद पुराण उपनिषद जब हिंदी भाषा में सुनता हूँ, कोई न संशय रहता मन में, हर शब्द का भाव को भावार्थ में समझता हूँ। आप हिंदी ऐसा सब विषय है कि जब आप उसको पढ़ते हो तो अपने भी उस अंदर ही अंदर समझते भी जाते हो, ठीक है। तो इसीलिए 14 सितंबर को सभी लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस। तो आज सब लोग अपने अपने हिसाब से, आप लोगों ने ड्राइंग भी की है ना, हिंदी दिवस का सबने ड्राइंग किया है, ठीक है। तो सुनो सब लोग शांति से, एक भाषा है, भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है, हिंदी केवल जुमा ही नहीं देश के माथे की भी बिंदी है, ठीक है। हिंदी हमारी दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक, हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनाकर तैयार करती है, कौन, हिंदी। और है कि इंग्लिश का तो अक्षर भी साइलेंट हो जाता है, कई चीजें हिंदी में, जैसे आप नॉलेज पढ़ते हो ना, नॉलेज पढ़ते हो उसमें कई अक्षर ऐसे हैं जो साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में कोई भी अक्षर साइलेंट नहीं होता है। इंग्लिश के तो अक्षर भी साइलेंट हो जाते हैं और हमारी हिंदी की तो बिंदी भी बोल जाती है, ठीक है। और अभी आप लोग को एक स्टोरी बताएं, अभी हम हाल ही में एक मूवी देखने गए थे, मूवी का नाम तो अभी आप लोग जान ही रहे होंगे, गदर आजकल बहुत चल रहा है, गदर मूवी द, हाँ यस मैम, उसके लिए तो पहले बोलोगे यस मैम, कौन कौन देखा है गदर, अरे वाह इतने लोग गदर देख चुके हो, गदर 2 कैसी लगी बताओ, बहुत अच्छी है ना मूवी, अच्छा। तो आप लोग को बताएं, जब गदर में लंच हुआ था, उसमें होता है ना लंच होता है, तो वहां पे लंच नहीं लिख करके आया था या फिर इंटरमिशन नहीं लिख के आया था, वहां पे लिखा था जानते हो क्या, क्या लिखा होगा बताओ, पेट पूजा, क्या लिखा, पेट पूजा, पेट पूजा करके वहां पे क्या हो गया था, जो आधे घंटे का या 15 मिनट का 10 मिनट का जो गैप होता है कि आप उसमें अपने आप को फ्रेश कर लो, ठीक है, एक रिफ्रेश हो जाओ, तो उसके लिए वहां पे लिखा था पेट पूजा। हमको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, हमको लगा अरे लंच या इंटरमिशन हर बार लिखा जाता था, इस बार क्या लिखा है, पेट पूजा। तो सोच लो किस कदर हिंदी जो है हमारे पूरे भारत में छाई हुई है, और हिंदी कितना सोचो सरल है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, आप लोगों को पता चल गया ना सब लोगों को, तो ठीक है। तो आज हम लोग कौन सा दिवस मना रहे हैं, हिंदी दिवस, ठीक है।